Shri Guru Manik Jai Guru Manik Shri Guru Manik Jai Guru Manik Haachi Guru Padesha Mukhya Ama Vande Shri Prabhu Sadgurum Gunanidhim Sadbhakta Kalpadrumam Mandanam Sharanam Sharanyam Amalam Nathan Panathashrem Yat Sattavashajena Sthavara Bhavo Deha Sucheshtanvitaha Soyam Vovidadhatu Vanchitapalam Manikya Kalpadrumaha. In Shabdo Me Prabhu Maharaj Ke Charano Me अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं अपनी ओर से और आप सब की ओर से. अभी कुछ देर पहले यह सूचना दी गई आप सब लोगों को कि भंडार खाने में भोजन का महाप्रसाद प्रारंभ हो चुका है और जिनको जिनको प्रसाद लेना है वो लोग भंडार खाने में जाएं. आप लोग गए नहीं तो हो सकता है जब आप जाएं तो आपको कुछ मिले ना मिले. सोचिए आप अभी भी मौका है जिनको जाना है उठ के जाइए क्योंकि वहां महाप्रसाद प्रारंभ हो चुका है. किंतु भर्तृहरि का एक श्लोक याद आया मुझे अभी. भर्तृहरि कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुंबिनो वरसखे कस्माद् भयं योगिनः. कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला जो योगी है उसको योगी कहा है. और उसका पिता कौन? धैर्यम यस्य पिता, पेशेंस, धैर्य जिसके पास है. ऐसा योगी कि जिसके पास धैर्य उसका पिता है. धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी. और उसकी माता कौन है? कौन है माता? क्षमा. क्षमा उसकी माता है. शांतिश्चिरम गेहिनी उसकी पत्नी कौन है? शांति. कितनी देर के लिए शांति? चिरम शांति. चिरम परमानेंटली काम, चिरम शांति. वो शांति उसकी पत्नी, धैर्य उसका पिता, क्षमा उसकी माता, शांति उसकी पत्नी. शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सूनुहु. अब बेटा कौन है? सत्य. सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी. और बहन कौन है उसकी? दया उसकी बहन. सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः. भाई कौन उसका? भ्राता भाई कौन? मनः संयम. मन के ऊपर कंट्रोल. मनः संयम यानी क्या? मन को वश में रखना. ये कौन है उसका? तो उसका भाई है. भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम. और उसके सोने का स्थान, उसका बेड, उसका पलंग क्या है? भूमितल. जमीन जो है वो उसकी शय्या है. शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम. और कपड़े कौन से पहनता है वो? दिशाएं उसकी वस्त्र हैं. ज्ञानामृतम भोजनम. और वो क्या खाता है? अध्यात्म का, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला योगी क्या खाता है? ज्ञानामृतम भोजनम. वो जो है ज्ञानामृत का भोजन करता है. वहां क्या क्या है? वहां क्या है? वहां पर चावल है, दाल है, सांबार है, मुद्दा भाई पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम क्या क्या है, जो भी है पता नहीं. खत्म भी हो सकता है. देखो मेरा प्रवचन खत्म हो गया, अभी भी सोचू. तो ज्ञानामृतम भोजनम यहां क्या है? ज्ञानामृत, अमृत रूपी भोजन है. एक बार खा लिया तो फिर भूख नहीं लगती. वो वाला जो भोजन है
वो 2 बजे अगर आप खाएंगे तो 5 बजे फिर आपको चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, वो चाहिए, ये कुछ ना कुछ चाहिए। एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम् योगिनः, ऐसे जिसके कुटुंबी हैं। एते यस्य कुटुंबिनो, ऐसे जिसके संबंधी हैं, वैसे योगी को कस्मात् भयम् योगिनः, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। तो ज्ञानामृतम भोजनम, हम यहां पर भोजन कर रहे हैं अभी समय, कौन सा? ज्ञानामृत का भोजन कर रहे हैं। अब भोजन बोलने के बाद फिर सवाल आता है कि भोजन में मेनू क्या है? आज के भोजन क्या है? रोटी है, चपाती है, पूरी है, क्या है मालूम होना चाहिए ना। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि हम सब लोग अपने जीवन में भारी चिंता से ग्रस्त है, बड़ी भारी चिंता हमको सबको है। ऐसा कोई आदमी है यहां पर जिसको चिंता नहीं है? हाथ उठाओ। महाराज मला कसली चिंता नहीं, ऐसा कोई है? नहीं है, सबको चिंता है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता है, ठीक है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई समस्या हमको है। किसी को पत्नी से समस्या है, पत्नी को पति से समस्या है, माता को पुत्र से समस्या है, पुत्र को माता से समस्या, किसी को जमीन जायदाद की समस्या है, किसी को रुपए पैसे की समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को औलाद की समस्या है, नाना प्रकार की समस्या है। और उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम यहां आते हैं। हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? हमारा प्रभु के ऊपर प्रेम है इसलिए हम आते हैं, या प्रभु के पास आने से हमारी समस्या मिट जाएगी इसलिए हम आते हैं? सही ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रखकर बोलिए, किस लिए आते हैं आप यहां? बोलिए बोलिए, किस लिए आते? समस्या के निवारण के लिए आते, अपनी समस्या के निवारण के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, ठीक। अभी वैसा ही है सेम, जैसे मुझे मान लीजिए कोई रोग हो गया, मुझे एक रोग हो गया और मैं डॉक्टर के पास गया, किस लिए गया? मेरी समस्या के निराकरण के लिए। मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, या छाती में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर क्या करता है कि मुझको औषधि देता है, दवाई देता है ना, सवेरे ये गोली लो, शाम में ये गोली लो, दोपहर में ये गोली लो, खाने के पहले ये गोली लो, खाने के बाद ये गोली लो, नींद करने के पहले ये गोली लो, नींद से जगने के पहले ये गोली लो, बोलता है कि नहीं डॉक्टर? लिस्ट करके देता आप, और आप लाल पीली हरी नीली सब गोलियां खाते रहते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर आपको ये भी बताता है कि आप तेल मत खाओ, आप मीठा मत खाओ, आप वॉकिंग करो, आप योगा करो, आप प्राणायाम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप ये सारी चीज़ें करो और दवाई खाओ तो कम है। अब मान लीजिए हम आ गए घर पे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा, उसमें सुबह 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, शाम में 2 गोली, गोलियां हम खाने लगे, अब बाकी की जो चीज़ें हैं कौन सी? तेल मत खाओ, वॉकिंग करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ये सारी चीजें जो बताइए वो सब चलता, वो करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा हमने अगर मान लिया तो वो गोलियां खाने से हमारी बीमारी कम होगी क्या? कम होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं कम होगी। मान लीजिए मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे गोली दी, मैंने गोली खाई, घर पे आके गुलाब जामुन खाया, तो क्या होगा? कोई नहीं, सेट ऑफ हो जाएगा, वो जो गोली ली और गुलाब जामुन खा लिया, फिर डायबिटीज जैसा का वैसा है ना। तो हम भी प्रभु के पास आते हैं अपनी समस्या के निराकरण के लिए, ठीक है, समस्या के निराकरण के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु अपनी कृपा अपने आशीर्वाद रूपी औषधि से हमारी समस्या का निराकरण कर देता है। किंतु साथ ही उसका जो उपदेश है
समझ रहे हैं आप बात को? प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, ये इज इक्वल टू गोली है। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा क्या है? गोली। और प्रभु का उपदेश क्या है? एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो है, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो उपदेश हैं, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं क्या? प्रभु के, प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीर्वाद के लिए हम कतार बना के खड़े रहते लाइन से है? कितने लोग आज, कितने लोग, कम से कम 5,000 लोग लाइन बना के खड़े हो गए प्रभु के दर्शन के लिए। क्यों? प्रभु की कृपा चाहिए। ठीक है, प्रभु की कृपा मिल गई, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, मैं साथ में जो प्रभु का उपदेश है उसके ऊपर अगर आचरण नहीं करेंगे तो प्रभु की कृपा काम करेगी क्या? दवाई काम करेगी क्या? इतने बुजदिली से मत बोलिए, जोर से बोलिए, करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। हमारी समस्या का निराकरण होता है क्या? हम प्रभु के पास आते हैं, होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि दवाई हम लेते हैं किंतु पथ्य का जो आचरण है वो आचरण हम नहीं, पहली चीज। ठीक है, तो समस्याएं हमारे सबके जीवन में हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमारे सबके जीवन में हैं। एक और बात है, विशेष प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम की हम चिंता करते हैं। समस्या है, उस समस्या के बारे में हम चिंता करते हैं, वरी, चिंता करते हैं, तो वो एक एडिशनल समस्या बन जाती है। ठीक, समझ में आई बात? मान लीजिए मेरी समस्याएं कितनी हैं? 10। मेरी समस्याएं कितनी हैं? 10। उन 10 समस्याओं के बारे में मैं चिंता करता हूं तो फिर मेरी समस्या कितनी हो गई? 11 नहीं हो जाती, 20 हो जाती। 11 कैसे होती? 10 समस्याएं हैं, 10 समस्याओं के बारे में मैं चिंता कर रहा हूं तो मेरी समस्याएं कितनी होगी? 100% से बढ़ जाती मेरी समस्याएं, 100% से बढ़ जाती हैं। तो उपदेश क्या है इस विषय में हमारे संप्रदाय में प्रभु महाराज का? तो प्रभु महाराज कहते हैं, महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु जवरी असता। क्या? प्रभु जवरी मग चिंता मजका, मग चिंता मजका, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह से अब क्या है उपदेश? क्या है? चिंता मत करो, ये उपदेश है। हम मानते हैं क्या उस बात पे? हम सुनते हैं क्या? हम नहीं सुनते। और दूसरी विशेष बात यह है कि एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, एक मसला हमने निपटाया, ये निपट गया तो वहां दूसरा प्रॉब्लम वहां खड़ा हो जाता। ऐसा कभी हुआ है क्या आपके जीवन में कि एक प्रॉब्लम समाप्त हो गया तो खत्म हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ऐसा हुआ है क्या? है, ऐसा नहीं हुआ। मैट्रिक पास करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, मैट्रिक की परीक्षा में पास होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गणित में पास होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो पास हो गए, हो गए, खत्म हुआ क्या? नहीं। फिर PUC में एडमिशन की समस्या आ गई, PUC में एडमिशन की समस्या आ गई, PUC पास हो गए, समस्या खत्म हुई क्या? नहीं। फिर कॉलेज में एडमिशन की समस्या आ गई, कॉलेज में से ग्रेजुएट हुए, समस्या खत्म हुई क्या? नहीं। फिर क्या? नौकरी, उसकी समस्या आ गई, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, अब समस्या खत्म हुई क्या? फिर क्या? शादी, शादी, शादी हो गई, समस्या खत्म हुई क्या? नहीं। वहां से सारी समस्याएं शुरू हो गई, शादी हो गई और वहां से समस्याओं का फव्वारा, हजारों धाराएं निकलने लगी, फव्वारा शुरू हो गया। तो ये समस्याएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, और उन समस्याओं के विषय में हम जो चिंता करते हैं, हम उन समस्याओं के बारे में जो चिंता करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वो हमारी
सबसे बड़ी समस्या क्या है तो चिंता करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमें चिंता जो होती है उसके स्वरूप के बारे में थोड़ा समझना। सबसे बड़ी बीमारी हमको कौन सी है? चिंता करने की बीमारी है सबसे बड़ी। तो उसके स्वरूप के बारे में हमको थोड़ा सा समझना होगा कि चिंता कैसे होती है, क्या होता है। तो जब चिंता होती है तब वो चिंता किसी विषय को लेके होती है, उसका एक टॉपिक होता है चिंता का, होता है कि नहीं? हाँ, अब मेरी चिंता का विषय क्या है, आपकी चिंता का विषय क्या है? भोजन मिलेगा अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, यही चिंता का विषय, चिंता का विषय। तो चिंता का एक विषय होगा। अब वो जो विषय है वो क्या करता है, सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं चिंता कैसे होती। वो सबसे पहले आपके बिना चाहे, आपकी परमिशन के बिना आपके मन के अंदर घुस जाता है, आपके मन के अंदर घुस जाता है और मन को अधिग्रहित कर लेता, ऑक्यूपाई कर लेता है। चिंता क्या करती है, आपके मन को ऑक्यूपाई कर, अंग्रेजी में ऑक्यूपाई कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिग्रहण करना। तो वो चिंता जो है आपके मन के अंदर घुस जाती है आपकी परमिशन के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर वो चिंता आपके मन के अंदर घुस जाती है और घुस के आपके मन को ओवर पावर कर लेती है, अपने वश में कर लेती है। इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो फ्रीडम है वो समाप्त हो गई। हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो फ्रीडम है वो समाप्त हो गई। अब मन को किसने पकड़ लिया? चिंता ने पकड़ लिया। और स्वतंत्रता की समाप्ति से क्या हो जाता है, वहां से दुख आरंभ हो जाता है। स्वतंत्रता में सुख है, फ्रीडम में सुख है, बंधन में दुख है। बन गए आप। अब मान लीजिए आपसे अगर कहा जाए, नियम बना दिया, क्या नियम, सवेरे 3:30 बजे उठना है और ठंडे पानी से कंपलसरी सबको नहाना है, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? नहीं, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। आपकी स्वतंत्रता 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, उठो न उठो, आपकी जो मर्जी है वो मर्जी समाप्त हो गई, नियम आ गया। 3:30 बजे उठना है, ठंडे पानी से नहाना है। तो स्वतंत्रता जब समाप्त होती है तो दुख आता है और चिंता जब मन के अंदर घुस जाती है, घुस के उस मन को अपने कब्जे में ले लेती है आपकी मर्जी के बगैर। आपने बुलाया क्या चिंता को? आपने निमंत्रण दे के बुलाया क्या चिंता को? अच्छा, वो कब आती है चिंता? आपने कहा क्या, 5 बजे आओ ऐसा कहा क्या, 7 बजे आओ ऐसा कहा क्या? नहीं, उसके मन में जब आना है तब आ जाती है वो, आपका कोई वहां कंट्रोल नहीं चलता। मान लीजिए आपका घर है, आपका घर है और उस घर में आपके रिश्तेदार अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से जब चाहे जब दरवाजा खोल के अंदर आने लग जाए तो क्या होगा आपको? क्या होगा? आपके रिश्तेदार, मामा मामी, सास ससुर, कोई भी, ये लोग आपके घर में आपसे बगैर पूछे वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब आए और आपका टीवी चालू करें, आपका फ्रिज चालू करें, आपका एसी चालू करें और अपनी मर्जी से उस घर में रहने लगें, तो आपको कैसा लगेगा? इनकन्वीनियंस होगा, इनकन्वीनियंस होगा क्या? नहीं। उस तरह से ये चिंता जो है अपनी मर्जी से, टाइम नहीं है उसको कोई, आपने नहीं बताया, आप जब चाहे रात में 12 बजे आ गए, मान लीजिए आपके मामा हैं, रात में 2 बजे आ गए घर में, घुस गए और आपके बेडरूम के अंदर घुस गए, तो क्या होगा? आप चुप बैठेंगे क्या? मामा है इसलिए? नहीं है ना। तो चिंता जो है वो कभी भी रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आपके मन के अंदर घुस जाती है आपकी मर्जी के बगैर और मन को अधिग्रहित करती है, ऑक्यूपाई करती है और आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती। पहली चीज, ये पहली सीढ़ी है चिंता की। दूसरी क्या है,
अब ये चिंता एक बार मन में घुस गई, वो कितनी देर वहां रहेगी इसका फैसला कौन करता है? आप या आप? वो चिंता है आप करते हैं, आपको एक चिंता है, ठीक है? वो चिंता घुस गई मन के अंदर, वो कितनी देर तक मन में रहेगी ये कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? वो चिंता डिसाइड करती है, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कर ले यहां कहीं को आते थे फिर? चिंता कितनी देर मन में रहेगी ये मेरे हाथ में नहीं। द ड्यूरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द वरी इटसेल्फ, यू कैन नॉट डिसाइड द ड्यूरेशन। आप डेढ़ घंटे के लिए मेरे मन में चिंता रहेगी ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक बजे से दो बजे तक चिंता रहेगी ऐसा बोल सकते थे? वो अपनी मर्जी से दो दिन रह सकती, तीन दिन रह सकती, हफ्ता रह सकती, महीना रह सकती, साल रह सकती, कुछ कुछ लोगों की जिंदगी में जिंदगी भर नहीं जाती। वो चिंता वहां पर अपना घर बनाकर रहती है। इससे क्या हो जाता है कि चिंता जब आपके घर के ऊपर, आपके मन के ऊपर कब्जा कर लेती है, तो फिर वहां पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच, वो समाप्त हो जाती है और वहां पर नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार समझते हैं ना आप लोग, नेगेटिव थिंकिंग, वो नेगेटिव विचार आपके मन में आने लगते हैं और उसका परिणाम क्या? भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होती चली जाती हैं और फलस्वरूप क्या होता है? आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है। और परिणाम स्वरूप जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आप खराब होता है। देखिए आप, चिंता करने से शुगर बढ़ती है, चिंता करने से बीपी बढ़ जाता है। कैसे? तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो चिंता का ये दूसरा स्टेज है। इसमें क्या हो जाता है कि चिंता आपको उत्पीड़ित करने लगती है, विक्टिमाइज करने लगती है। ये दो सीढ़ियां हो गई चिंता की, समझ में आ रही बात आपको? तीसरा, चिंता जब आती है या होती है तो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव विचार मन में आने के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। जो व्यक्ति चिंतित है उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो नेगेटिव विचारों के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती। उदाहरण क्या? कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, वायरस मालूम है आपको? वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कंप्यूटर काम कर सकता है क्या? कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। भगवान भी गीता में कहते हैं, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश हो जाता है। और गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका नाश अवश्यम भावी है, डेफिनेटली वो नष्ट हो जाएगा, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो तीसरी स्टेज में क्या हो जाता है चिंता की, जो तीसरी स्टेज, जैसे कैंसर के स्टेज होते हैं ना, कैंसर, फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकंड स्टेज का कैंसर, थर्ड स्टेज का, ये थर्ड स्टेज का कैंसर, इसमें क्या है? बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाता है और उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और उससे हानि क्या होती है हमको? हानि क्या होती है? तो जो उस समस्या का निराकरण निकल सकता था,
उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता था, वो नहीं निकलता। बुद्धि अगर काम करती तो समस्या जो है उसका हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। अब बुद्धि ही काम नहीं कर रही तो समस्या का रास्ता कौन ढूंढेगा? तो समस्या के निराकरण के जो उपाय हैं वो उपाय समाप्त हो जाते हैं। और फोर्थ स्टेज क्या है चिंता का? फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, फाइनल फोर्थ स्टेज क्या है? तो उसमें बुद्धि के कुंठित हो जाने के कारण आप कोई भी पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अ रेमेडी टू योर प्रॉब्लम। जिसके विषय में आप चिंतित हैं, जिस विषय में आप चिंतित हैं उसका समाधान भी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुद्धि जो है वो कुंठित हो गई। ये चार स्टेजेस हैं, समझ में आई बात? चिंता की चार स्टेजेस हैं। पहली क्या? चिंता आपकी मर्जी के बगैर अपने समय से, आपके समय से नहीं, अपने टाइम पर, उसको जिस टाइम आना है उस टाइम आ जाता है। दूसरा क्या? उसको जितनी देर रहना है उतनी देर रहती है। तीसरा क्या? आपकी बुद्धि को कुंठित कर देती है। चौथा क्या? उस जिस समस्या के विषय में आप चिंतित हैं उस समस्या के निराकरण का उपाय आपको खोजने नहीं देती। जिस समस्या के बारे में चिंतित है, समस्या क्या है? भंडार खाने में जाके भोजन करना, ये समस्या है। अब उसका उपाय क्या? उसका उपाय थोड़ा इधर उधर जाके, कोई जब देख नहीं रहा हो तो धीरे से निकल जाना, भंडार खाने में चले जाए, ये उपाय है, ये उपाय है। अब वो उपाय के बारे में वो आइडिया ही दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता वो आइडिया दिमाग में नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती। तो ये चार चीजें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसका आप जवाब दीजिए। अब तक आपकी जितनी समस्याएं आ चुकी हैं बचपन से लेके अब तक, उनका निराकरण हो गया है या नहीं हुआ है? बचपन में मेरी समस्या ये थी कि मुझको चॉकलेट चाहिए थे और मुझको गुब्बारे चाहिए थे, गुब्बारे, फुग्गे, बलून्स, ये मेरी समस्या थी। मुझको गुब्बारे और चॉकलेट चाहिए थे, वो समस्या थी मेरी। अब वो समस्या है क्या मेरी? वो प्रॉब्लम है क्या? उसके बाद जब मैं 3 साल का हुआ तो मेरी समस्या ये थी कि मेरे पजामे का नाड़ा नहीं खुलता था। समस्या थी, प्रॉब्लम क्या? कि पजामे का नाड़ा नहीं खुलता, ये प्रॉब्लम। अब है क्या वो समस्या? वो समस्या वहां 3 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में मेरी समस्या ये थी कि मुझको गणित नहीं आता, गणित का मास्टर बहुत मारता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत चीखता है। वो जो गणित का क्लास था वो मेरी प्रॉब्लम थी, समस्या। अब है क्या वो समस्या? इस तरह से आप देखिए धीरे धीरे धीरे। फिर एक जमाना आया, कॉलेज हुआ, वो हुआ, उसके बाद शादी, लड़की कैसी मिलेगी, पता नहीं कौन मिलेगी, क्या मिलेगी, काली मिलेगी, गोरी मिलेगी, ये एक समस्या थी बड़ी। हो गई क्या नहीं शादी? वो समस्या समाप्त हुई क्या नहीं? ये बात और है कि वहां से दूसरी समस्याएं शुरू हो गई, मगर शादी करने की जो समस्या थी वो समस्या समाप्त हो गई। अब आप मुझे बताइए कि आपकी जितनी समस्याएं हैं पास्ट की, पुरानी, वो समाप्त हो चुकी हैं या बाकी हैं? समाप्त हो गई हैं, वो समाप्त हो गई, सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, ठीक है। भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं, भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका कुछ अंदाजा आपको है क्या? भविष्य में ये समस्या आने वाली है, इसका कोई अंदाजा है क्या आपको? फिर किस समस्या को लेकर चिंतित हैं आप? फिर कौन सी समस्या को लेकर चिंतित हैं? एक अंग्रेजी दार्शनिक कहता है कि पास्ट इज डेड, पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल, पास्ट इज डेड, भूतकाल क्या हो गया है? मर गया है, मर गया है, भूतकाल समाप्त हो गया। फ्यूचर इज नॉट येट बॉर्न,
भविष्य काल क्या है, अभी पैदा नहीं हुआ उसकी चिंता क्या करना। वो कहते ना कन्नड़ में, कू सुट्ट किंता मुंचे कुलाई वल्स, कन्नड़ता जानते हो ना, कू सुट्ट किंता मुंचे ने कुलाई वल्स। तो अभी वो समस्या ही उत्पन्न नहीं हुई, हम उसको लेके चिंतित हैं। जो समस्याएं समाप्त हो गई उनके विषय में हम चिंतित हैं। तो है क्या, अगर भूतकाल मर चुका है, भविष्य काल अभी पैदा नहीं हुआ है, तो बाकी क्या बचा, बाकी प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट बाकी। और प्रेजेंट शब्द का अर्थ क्या है मालूम है आपको, प्रेजेंट शब्द का अर्थ नहीं, वर्तमान तो है, एक अर्थ है वर्तमान, दूसरा क्या है, गिफ्ट। प्रेजेंट शब्द का अर्थ है गिफ्ट, जब आप शादी में कहते हैं ना प्रेजेंट, बर्थडे है तो क्या प्रेजेंट, तो वो वर्तमान काल, ये जो प्रेजेंट जो टाइम है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम प्रभु टू यू, आपको प्रेजेंट है वो, वो प्रभु महाराज द्वारा दिया गया एक प्रेजेंट है, उसको आप जिए, उसका आनंद लीजिए, उसका मौज मनाइए, उसकी उसका सुख मनाइए, उसका भोग लीजिए। हम क्या करते हैं कि भूतकाल अथवा भविष्य काल की चिंता में अपने प्रेजेंट काल को मार देते हैं, मार देते हैं, और वो इतना सूक्ष्म होता है कि एक सेकंड के सवे हिस्से में वो भूतकाल बन जाता है। समझिए आप इस बात को, ये जो प्रेजेंट काल है, ये वर्तमान काल, काल कहने तक का जो समय है वह भूतकाल में चला गया, वो चला गया भूतकाल के, वो यहां नहीं है। वो नदी की धारा जैसे बहती है, उस तरह से काल सतत प्रवाहशील है, प्रवाहमान है, बहरा, वो सतत भूतकाल में जा रहा है काल, और जो आने वाला भविष्य काल है वो भी भूतकाल में जाने वाला है। तो हमारे पास जीने के लिए बाकी क्या है, ये वर्तमान काल हमारे पास है, ये वर्तमान काल हमारे पास है, इसका अगर हम सही उपयोग करें, इसका अगर हम आनंद लें कि प्रभु ने ये वर्तमान काल, ये समय हमको प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट, और उसके आनंद को अगर हम लें। अब ये मान लीजिए मैंने आपको एक मोबाइल प्रेजेंट किया, समझिए थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको एक मोबाइल प्रेजेंट किया, ठीक है, आपने मोबाइल खोल के देखा और खोल के ये चिंता करने लगे कि अब इसके अंदर सिम कार्ड कहाँ से आएगा, है ना? तो जैसे ही मैंने आपको मोबाइल दिया, आप कौन सी चिंता में खो गए, कौन सी चिंता, सिम कार्ड की चिंता में खो गए। सिम कार्ड लाके दिया मैंने, इसका बिल कौन भरेगा, इसका बिल कौन भरेगा, ये चिंता आ गई। तो जो मैंने मोबाइल आपको दिया, प्रेजेंट दिया, उसका आनंद आपने मनाया क्या, उसका आनंद आपने भोगा क्या, नहीं। वहीं से चिंता शुरू हो गई। अब बहुत से लोग, अक्सर परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, मुखिया लोग, वो ये सोचते हैं कि चिंता करना हमारा कर्तव्य है, चिंता हमको करनी चाहिए, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, परिवार की, घर की, बेटों की, बहू की, पत्नी की, घर में जितने बच्चे हैं उनकी सबकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कौन चिंता करेगा। तो लोग जो है अक्सर चिंता को अपना कर्तव्य समझ बैठते हैं, ये चिंता करनी चाहिए, चिंता नहीं अगर करे तो लोग कहते हैं गैर जिम्मेदार है आदमी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कोई चिंता ही नहीं है भाई, है ना, घर का मुखिया है, बड़ा है, बड़ा भाई है, बाप है, कोई जो घर में है, वो अगर बहू की, बच्चों की, इनकी उनकी चिंता नहीं करेगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, है इसको हमारी चिंता ही नहीं है, ये गैर जिम्मेदार आदमी है, बोलेंगे क्या नहीं, है? तो बड़े जो बूढ़े हैं घर के, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि चिंता करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, और ये समझ के चिंता करते रहते, चिंता करते रहते, और अगर चिंता करने को कुछ नहीं मिला तो दुखी हो जाते। चिंता करने को अगर उनको कुछ नहीं मिला तो दुखी हो जाते, अरे क्या करें अब। देखिए शास्त्रों में चिंता को अग्नि की उपमा दी गई, चिंता और चिता दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, कौन कौन से, चिता और चिता, यानी क्या, नहीं अग्नि नहीं,
घर में जो चूल्हे में अग्नि जलाते हैं उसको चिता बोलते हैं क्या? घर में चूल्हे में जो अग्नि आप जलाते हैं उसको चिता बोलते हैं क्या? हाँ, चिता के ऊपर दूध रखो ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, श्मशान के अंदर जो अग्नि जलती है उसका नाम चिता। और चिंता यानी मन को जो अग्नि जलाती है उसका नाम चिंता। एक डॉट है ऊपर, चिता लिख के उसके ऊपर एक अनुस्वार लगाने से वो चिंता बन जाती है। तो शास्त्र में कहा गया है कि चिता चिंता द्वयोर मध्य, चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता एव गरीयसी। चिता और चिंता इन दोनों में बड़ा कौन सा है? चिंता बड़ी है। चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिंता श्रेष्ठ है। क्यों? चिता दहति निर्जीवम, चिता दहति निर्जीवम, चिंता प्राणयुतम वपुहु। चिता क्या करती है, किसको जलाती है? निर्जीव देह को जलाती है। चिता जो है वो निर्जीव देह को जला देती है। और चिंता किसको जलाती है? चिंता प्राणयुतम वपुहु, जिंदा आदमी को जलाती है। तो कौन सी अग्नि तेज हो गई? निर्जीव देह को जलाने वाली चिता ये ज्यादा पावरफुल है, या सजीव देह को जिंदा आदमी को जलाने वाली जो चिंता है वो ज्यादा पावरफुल है? बताइए आप। चिंता जो है वो ज्यादा पावरफुल है। और विशेष बात यह है कि भगवान ने भी चिंता को आसुरी गुण कहा है। आसुरी, आसुरी यानी क्या? आसुरी यानी 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपत और आसुरी संपत ऐसा विभाग दिखाया है। आसुरी यानी राक्षसों का धर्म, असुरों का धर्म, सज्जनों का धर्म नहीं है। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चयः। ये जो दुष्ट लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, उनका लक्षण बताते हुए भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं चिंताम अपरिमेयांच, अपरिमित चिंता होती है। कितनी चिंता? अपरिमित, अनलिमिटेड चिंता। और कब तक रहती है उनके अंदर चिंता? प्रलयांताम उपाश्रितः, प्रलय तक, मृत्यु तक नहीं, प्रलय तक, प्रलय तक ये चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ती। देखिए हमारे कबीरदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं मुर्दे को हरि देत है, मुर्दे को हरि देत है कपड़ा लकड़ी आग। मुर्दे को हरि देत है क्या? कपड़ा लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करे उसका बड़ा अभाग, उसका बड़ा अभाग। परमात्मा ने प्रत्येक की योजना कर रखा। अगर आप समझो मर गए, मर गए, समझो कोई एक मर गया, मरने के बाद मुझको कपड़ा कहां से मिलेगा कफन लपेटने के लिए? आग कौन लगाएगा? लकड़ी कौन लाएगा? ये अगर चिंता करते बैठे, ऐसा मुर्दा चिंता करता है क्या? मुझे मुर्दा चिंता करता है, उसका काम क्या? मर जाना, वो मर गया। अब मरने के बाद ऐसी कोई लाश आज तक है क्या जिसको आग नहीं मिली, जिसको कपड़ा नहीं मिला, जिसको लकड़ी नहीं मिली? ऐसी कोई लाश आपने देखी क्या? अगर गांव वाले, घर के लोग, परिवार के लोग अगर आग नहीं लगाते तो पुलिस वाले तो कम से कम लगा ही देते है ना, अगर गाड़ने लायक हो तो गाड़ देते, आग लगाने लायक हो तो आग लगा देते हैं, कम से कम सरकार तो भी उसका, उसकी व्यवस्था कर देती है। मुर्दे को हरि देता है कपड़ा लकड़ी आग। और जीवित नर चिंता करे, और जो जिंदा है आदमी वो चिंता कर रहा है उसका कितना बड़ा अभाव।
उसका भाग्य देखिए कैसा है कि चिंता करते 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 वो अपने समय का अपव्यय कर रहा है, समय का अपव्यय कर रहा है। ये हुआ चिंता का स्वरूप, नेचर ऑफ चिंता। अब इसका उपाय क्या, चिंता का, चिंता को मिटाने का उपाय क्या है? तो सबसे पहली चीज, चिंता में क्या पहली चीज थी कि चिंता हमारी मर्जी के बगैर जिस समय चाहे उस समय हमारे मन में घुस जाती है। तो हम एक काम करेंगे, अब क्या हम उसके लिए एक टाइम फिक्स करेंगे, हम उसके लिए एक टाइम फिक्स करेंगे। क्या टाइम फिक्स किया हमने, शाम के 4 बजे हम उसके विषय में विचार करेंगे। है ना, किसके बारे में, बेटी की शादी, बेटी की शादी ये समस्या है। तो हमने ये निश्चय किया कि बेटी की शादी इस विषय में हम कब सोचेंगे, शाम में 4, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, शाम में 4 बजे हम उसके बारे में सोचेंगे। ये हमने निर्णय किया। जब हमारा ये निर्णय पक्का हो जाता, आप करके देखिए, जब ऐसा निर्णय हम करते हैं तो 4 बजे से पहले वो विचार आपके मन में घुसता ही नहीं। बेटी की शादी ये जो समस्या है वो 4 बजे के पहले नहीं आएगी, 4 बजे आएगी दरवाजा ठकठकाए। अगर आपने किसी मेहमान को, मामा को, चाचा को अपॉइंटमेंट दे दिया कि आप 4 बजे आइए और 4 बजे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आप स्वागत करेंगे कि नहीं, दरवाजा खोले बुलाएंगे कि नहीं? तो आपने चिंता का स्वागत किया, उसको बुलाया, उसको टाइम दिया, कितना, 4 बजे, 4 बजे। अब दूसरी बात क्या, चिंता के स्वरूप में दूसरी बात क्या थी कि चिंता अपनी मर्जी से जब तक चाहे तब तक रह सकती है। चिंता अपनी मर्जी से जब तक चाहे आपके मन में रह सकती है। यहां आपने नियम बनाया कि 4 से 4:30, 4 से 1/2 आवर टाइम उसको अपॉइंटमेंट दे दी। अब अपॉइंटमेंट देने के बाद क्या करेंगे फिर आप, अगर आधे घंटे का समय है तो जितनी भी बड़ी समस्या हो उसको आप पॉइंट्स बनाएंगे उसके। पहली क्या, बेटी के लिए वर देखना, वर देखना कैसा, अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, तनख्वाह अच्छी हो, नौकरी अच्छी हो, खानदान अच्छा हो, ननद ना हो, सास मर चुकी हो, ये पॉइंट्स खत्म। समस्या को हमने क्रिस्टलाइज किया, समस्या को क्रिस्टल, हमको कैसे, कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, दिखने में 6 फीट हाइट होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, इन्फोसिस में नौकरी होनी चाहिए, बेंगलोर में घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सास नहीं होनी चाहिए, ऐसा घर हमको चाहिए। ये हमने नोट डाउन किया, आधे घंटे के अंदर समस्या का हमने विचार कर लिया, 4:30 बजे क्लोज हो गया, हमने हिसाब कर लिया 4:30 बजे, अब तू जा। तीसरा क्या, तीसरा क्या, हमने जो पॉइंट्स बनाए, समस्या के जो पॉइंट्स हमने बनाए, अब उनका उपाय क्या, उनका उपाय क्या, कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे? तो बुद्धि को पॉजिटिव, इस समस्या का निराकरण निकले, जगत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना निकले, ऐसी एक भी समस्या अभी पैदा नहीं, एक भी समस्या नहीं है ऐसी कि जिसका कहीं ना कहीं इलाज नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन हमको ढूंढ के निकालना है। तो बुद्धि को पॉजिटिव रखते हुए, बुद्धि को पॉजिटिव रखते हुए, बुद्धि को सकारात्मक रखते हुए उस समस्या के निराकरण का उपाय खोजना, ये तीसरी सीढ़ी। और चौथी और अंतिम कौन सी, समस्या का सामने से मुकाबला करना। अगर मान लीजिए हम उस समस्या के ऊपर विजयी हो गए तो बहुत अच्छी बात, अगर उस समस्या के ऊपर हम विजयी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी हुए, अगर हमको पराजय भी मिली, तो भी ये पराजय ये हमारे कर्मों का फल है, ये प्रभु का प्रसाद है, ऐसा मान के खामोश हो जाना, ये चौथी सीढ़ी है। आवश्यक नहीं है कि आप हर चीज में सफल हो, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में सफल हो,
जरूरी नहीं है कि आपको हर एक विषय में 100-100 मार्क मिले, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में 100 मिल सकते हैं, मैथमेटिक्स में 50 मिल सकते हैं, हिस्ट्री में 75 मिल सकते हैं, केमिस्ट्री में 82 मिल सकते हैं, ऐसा नहीं। हर समस्या का निराकरण आपकी अनुकूलता से हो, ऐसा कोई नियम नहीं। उसके पीछे आपके कर्मों का सिद्धांत भी लगा हुआ है, आपका प्रारब्ध लगा हुआ है, तो आपके प्रारब्ध के अनुसार उस समस्या का जो निराकरण निकला उस पर अगर आप विजयी हो गए तो ये प्रभु महाराज की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा हो गई। और अगर पराजित हो गए, अगर समस्या से आप हार गए, समस्या ने आपका निराकरण आपको नहीं कर सके, तो क्या हुआ? तो प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध क्या है? कर्मों का फल है। किसके कर्मों का फल है? मेरे अपने कर्मों का फल है, मेरे अपने कर्मों का फल है। इस प्रकार मन को समझाना, मन को समझाना, वो एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, पिक्चर में गाना भी है, है? कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, गाना है बड़ा फेमस। तो ये चौथी स्टेज है, समस्या को सामने से उसका मुकाबला करना। जीत गए बहुत अच्छी बात, हार गए प्रभु की मर्जी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार चिंता की चार सीढ़ियां हैं, चिंता की जिस तरह से चार सीढ़ियां हैं, उसी तरह से उसके निराकरण की भी चार सीढ़ियां हैं। हम चिंता को लेके चिंतित हो जाते हैं, चिंता ने घेर लिया पकड़े, निराकरण का विचार ही नहीं करते। निराकरण का विचार कब कर सकते हैं? जब हमारी बुद्धि सकारात्मक हो, सक्रिय हो। सक्रिय हो तो हम उस चिंता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये वेदांत शास्त्र का मार्ग है, ये प्रभु का उपदेश है। तो चिंता जब हमको घेर लेती है तो हम उस चिंता की औषधि के लिए, कृपा के लिए, प्रसाद के लिए, प्रभु के आशीर्वाद के लिए यहाँ आते हैं प्रभु के पास। वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो कृपा प्राप्त करते हैं, वो दवाई खा लेते हैं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ये हैं, ये हम नहीं करते, इसलिए हमारी चिंता समाप्त नहीं होती, हमारा रोग समाप्त नहीं होता। अंत में एक छोटी सी कहानी सुना। एक आदमी था वो जंगल में से जा रहा था, गुजर रहा, रास्ता कहीं उसको जाना था, पुराने जमाने की बात, जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने दोपहर के समय खाने के लिए उसको रोटियां, धपाटी और हरी मिर्ची की चटनी, हसी मेंसिन का ही चटनी, भकरी माड़ कट्टी कोट्टा खेण थी बांध के, हरी मिर्ची की चटनी और रोटी बांध के दिया। ये आदमी हमारा लेके, सामान लेके चला, जंगल में गया, रास्ता भटक गया, जंगल में गया और रास्ता जो है भटक गया। अब रास्ता नहीं मिल रहा उसको, घना जंगल, कहीं नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता कहीं, क्या करे, क्या कर सकता? आप बताइए, आप जंगल में गए, हैं, प्रॉब्लम आ गया, समस्या हो गई, चिंता हो गई, अब रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? हो अयो अम्मा बोल के रोते बैठे, है ना। ये हमारा जो आदमी था उसने कहा, अब ये प्रॉब्लम तो आ गई, समस्या आ गई, अब इसका निराकरण हमको सीखना। निराकरण करने से पहले पेट को, मन को, शरीर को शांत करना आवश्यक है। तो इसलिए वो एक झाड़ के नीचे बैठा, पत्नी ने जो रोटियां और हरी मिर्ची की चटनी दी थी वो खोला उसने, खोल के अब खा रहा है वो बेचारा। एक कौर दो कौर खाए, उठने में एक बंदर कहां बैठा था? ऊपर झाड़ पे बैठा, एक बंदर बैठा। वो बंदर आया और उसने वो रोटी चटनी वो सारा सामान उठा के ले गया, है ना। बंदर सारा चटनी पिटनी सब लेके गया झाड़ के ऊपर बैठ के। बंदर ने क्या किया, वो चटनी को ऐसे ऐसे उठा के खाना शुरू किया, इतना ही। हसी मेडिसिन का ही चटनी वो अम्मे तिंद्र ये नाता, हाँ। बंदर ने
वो हरी मिर्ची की चटनी इतनी खाए, आप उसको हा हा कार शुरू हो गया, किसको? बंदर कहते ना कि मर्कटस्य सुरापानम, सुभाषित है, मर्कटस्य सुरापानम मध्ये वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। एक बंदर था, उस बंदर ने दारू पी, बंदर ने क्या किया? दारू, दारू पीने के बाद एक बिच्छू ने उसको काटा, किसको? दारू पी उसके बाद बिच्छू ने काटा, और बिच्छू के काटने के बाद उसके शरीर में भूत का संचार हो गया। देखिए कैसे बढ़ रहा, मर्कटस्य सुरापानम मध्ये वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचार, फिर क्या? यद्वा तद्वा भविष्यति। अब वो जो दिल में आ रहा वैसा कर रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बंदर जो है हरी मिर्ची की चटनी खा के हैरान परेशान हो गया, और इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, वो बंदर भागने लगा, बंदर भागने लगा। ये जो हमारा आदमी था वो चिंता करते हुए नहीं बैठा, वो उसने देखा बंदर भाग रहा, बंदर के पीछे पीछे भागने लगा, बंदर के पीछे पीछे भागने लगा। अंततः बंदर कहाँ गया? तो उस जंगल के बाहर किनारे पे एक नदी थी, वहां पानी पीने के लिए बंदर गया, क्योंकि बंदर को मालूम है नदी कहाँ है, पानी कहाँ है, पर्वत कहाँ है। ये आदमी भी उसके पीछे पीछे गया, जैसे ही उसको नदी मिल गई उसको रास्ता मिल गया, उसको रास्ता मिल गया। अगर मान लीजिए वो चिंता करते अयो रामा करके झाड़ के नीचे बैठ जाता, ना हरी तप्पी दाई गेंद मार ली, मेरा रास्ता खो गया, मैं क्या करूं, इस तरह से वो चिंता करते हुए अगर वहां बैठ जाता तो बाहर निकल सकता था क्या? नहीं। शाम के समय शेर आ जाता, हाथी आ जाता, भालू आ जाता, कोई भी आके उसको खा लेता। बंदर जो चटनी लेके चला गया, बंदर ने चटनी खाई, बुद्धिमत्ता देखिए कि बंदर ने चटनी खाई, अब बंदर विचलित हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, बंदर नाचने लगा। अब वो बंदर क्या कर रहा, भाग रहा, जिस दिशा में भाग रहा उसके पीछे आदमी गया, उसी दिशा में गया बंदर के साथ साथ, और गया तो वहां क्या पाया उसने, बंदर जल्दी से जाके पानी पी रहा, कहाँ? नदी के अंदर, नदी के अंदर, नदी मिल गई, इसको रास्ता मिल गया, इसको रास्ता मिल गया। तो इसलिए मेरे पास बहुत से लोग आते, मेरे पास अपनी समस्याओं को लेके बहुत से, महाराज रे हंगा गिर रे, महाराज रे हिंगा गिर रे, महाराज रे हंग अंदर रे, महाराज रे हंग अंदर, बहुत से आते। तो उसमें प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, ये तो आवश्यक है, मस्त। वो क्या है? गोली के समान है, दवा के समान, वो तो आपको लेना ही है, मगर साथ में ये प्रभु का उपदेश जो है, चिंता कैसे उत्पन्न होती है, चिंता को कैसे दूर करेंगे, चिंता चिता में क्या फर्क है, ये सारी चीजें जो है इनको समझना ये आवश्यक है। इसको समझ के प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद आप लेके जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी चिंताएं वो अपने आप मिट जाएंगी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं प्रभु जवळी असता, प्रभु जवळी असता मग चिंता मद का। तो चिंता को दूर करने का उपाय महाराष्ट्र ने क्या बताया? प्रभु के पास रहो। प्रभु के पास रहने से क्या लाभ होता है? चिंता समाप्त हो जाती है, चिंता जो है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए आज के इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी समस्याएं, इनका निराकरण करें। और आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि प्रभु का काम क्या है? दवाई देना है, प्रभु डॉक्टर है, वो दवाई दे देगा। मैं आपसे अनुरोध मेरा क्या है कि उसके उपदेश जो हैं उनके ऊपर आचरण करें, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये खाना है, वो नहीं खाना है, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये सारे जो नियम हैं वो वेदांत शास्त्र के अनुकूल आप आचरण करेंगे। वेदांत शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हुए वेदांत के जो तत्व हैं, प्रभु महाराज के उपदेश के जो तत्व हैं, इनको आत्मसात करते हुए आप प्रभु की कृपा संपादन करेंगे तो मेरा आपसे आश्वासन है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी चिंताएं वो समाप्त होंगी, वो जल्दी से जल्दी हों, ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ।